हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मनीज यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुकृति। अगर आप कोविड के क्राइसिस को लेकर के, इकोनॉमी के फॉल को लेकर के टेंस्ड हैं और ये सोच रहे हैं कि कोविड की रिकवरी के बाद हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप कंफ्यूज हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो कोविड के बाद आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली हर अपडेट को नोटिफाई हो सकें। तो चलिए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आफ्टर कोविड कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें तीन फेजेस को समझना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम बात करें तो तीन तरह के अलग अलग फेजेस हैं। पहला है अपसाइड केस, दूसरा है बेस केस और तीसरा है डाउन टर्न केस। ये टर्म्स सुनने में काफ़ी नए लग रहे हैं, पर अगर हम इन्हें फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी के रिस्पेक्ट में समझें तो आप ये समझ सकते हैं कि अपसाइड केस वो केस होता है जब इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो या फिर थोड़ी ऑप्टिमिस्टिकल सिचुएशन हो। लेकिन अगर हम बात करें बेस केस की तो ये मॉड्यूलेट सिचुएशन कहलाई जाती है। और अगर हम बात करें डाउन टर्न केस की तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा फॉल होता है या हम कह सकते हैं कि जब रिसेशन का टाइम होता है। तो अब हम तीनों टर्म्स के मतलब समझ चुके हैं और अब एक एक करके सारे केसेस को समझते हैं कि हर केस में या हर सिचुएशन में कौन कौन से ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के हमें ऑप्ट करने चाहिए। तो आप अपने स्क्रीन पे ये टेबल को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपसाइड केस की बात करें जो कि ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है, तो ऐसे केस में कौन से स्टॉक्स को हमें खरीदना चाहिए। तो अगर आप कोविड के बाद अगर ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि अपसाइड केस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए साइक्लिकल और वैल्यू स्टॉक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर हम साइक्लिकल और वैल्यू स्टॉक के बारे में कहें तो ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि इकोनॉमी डिपेंडेंट होते हैं, एग्जांपल एयरलाइंस। तो ऐसे स्टॉक्स को आप प्रिफर कर सकते हैं जो इकोनॉमी डिपेंडेंट है, तो ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप्स की जगह आपको मिड कैप्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका फोकस मिड कैप्स में ज़्यादा होना चाहिए अगर आप अपसाइड केस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जो बेनिफिशियल होंगे। तो पहला सेक्टर है एनर्जी, सेकेंड है ऑटोमोटिव, थर्ड है बीवरेज और फोर्थ है रिटेल। तो ये चार ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अपसाइड केस में बेनिफिशियल होंगे। सेकेंड है बेस केस। ये ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पर ना ही इकोनॉमी का बहुत रिसेशन है और ना ही इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ये एक मॉडरेट सिचुएशन कंसिडर की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको किन किन ऑप्शंस को ऑप्ट करना चाहिए। तो अगर आप बेस के सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ऐसे टाइम पे आपको इक्विटी और क्रेडिट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो पहला है आपको क्रेडिट इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। आपको क्रेडिट स्पेक्ट्रम के अक्रॉस जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं उन्हें ऑप्ट करना चाहिए, एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट ग्रेड, हाई यील्ड और इमर्जिंग मार्केट। सेक्टर्स जो इससे बेनिफिट हो सकते हैं वो है हेल्थ केयर, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, ई कॉमर्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड है डाउन टर्न। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा फॉल होता है। ऐसी सिचुएशन को हम अक्सर रिसेशन कहते हैं। रिसेशन के टाइम पे इकोनॉमी का ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेस सफ़र करने पड़ते हैं, मार्केट में हायरिंग कम्प्लीटली फ्रीज हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें किन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो रिसेशन के टाइम पे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। गोल्ड इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो रिसेशन के टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट के किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो रिसेशन के टाइम पे स्टॉक मार्केट ऑलरेडी फॉल में होता है, तो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिसेशन के टाइम पे आपको गोल्ड कम प्राइसेस में मिलेगा, बट फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे। तो ऐसे केस में जब रिसेशन हो तो गोल्ड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए वीडियो के एंड में जहां पर हमने तीन सिनेरियोस को देखा इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में। और हमने ये भी देखा कि जब तीनों अलग अलग सिनेरियोस होते हैं इकोनॉमी के, तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, बिजनेस और फार्मिंग कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप आज ही, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और अगर आप पाना चाहते हैं 2000 रुपए की स्कॉलरशिप तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ANUKRITI। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। फिर मिलेंगे नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं IndianMoney.com और मैं हूं अनुकृति।